कल चमन था, आज ये सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। गर्मी का कहर कम होने को नहीं आ रहा है। कहीं कहीं प्रतिष्ठान में आग लगती है, कहीं कहीं लगती है प्रतिष्ठान में। रात को लगभग 2:30 बजे टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, हटाइए आप देख सकते हैं कि ये तबाही का मंजर है। ये यहाँ धुआं निकल रहा है और ये 8 से 12 झोपड़ी जलकर राख हो गई, राख हो गई। हाँ, ये देखिएगा कि ये सामान कैसे, संदूक के अंदर सामान था। ये गरीब जो है, ये गरीब लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के अपना घर गुजारा कर रहा था। उधर हम आपको दिखाते हैं कि ई रिक्शा भी जो जलते थे, बाइक भी जल गई है। ये सारा का सारा सामान जल के राख हो गया है। ये क्या मंजर है, ये गर्मी का क्या कहर है, ये बिल बिला रहे हैं। इनमें करिए मेरे सामने, आप दो बच्चे, यानी एक मिनट में बताता हूँ कि पशु मवेशी भी जल के यानी कि राख हो गए हैं। ये सारी बस्ती बिल्कुल जलकर राख हो गई है। यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बिल्कुल 12 झोपड़ी थी जो अपना घर गुजारा करते थे। इस हादसे के अंदर एक बड़ा और हादसा हुआ है, एक छोटी बच्ची बिल्कुल झुलस गई है, जिसे अगरवा रेफर कर दिया गया है। साथ में उसका बाप उसे बचाने के लिए झोपड़ी में गया तो वो भी जल गया है, उसे भी रेफर किया गया है। अब मैं जानूंगा भाई साहब से कि बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ है और कितने बजे का वाक्या है। ये बाबू जी 3:30 बजे का टाइम था जी। हाँ। सोए पड़े थे सब बच्चे बड़े सब, एकदम का मतलब लपटे लगी पता लगा। तो अपने आप हमने भी हमारे तरफ से खूब बुझाने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड आई, इतनी तेजी में तो आग ने अपनी जोर पकड़ लिया, अपनी रफ्तार को गति तेज हो गई थी। कैसे जान बचाई आपने, किसने कोई बताया क्या, किसी ने आपको बताया क्या? गाड़ी वाला आ जा रहा था एक रोड के ऊपर, उसने आके जगाया, तुम्हारी झुग्गियों में आग लग गई, तुम्हारी झुग्गियों में आग लग गई। हाँ बताओ जी, बताओ। एकदम आग लग गई जी, इसमें चपेट में सारी झोपड़ियां जल गई थी जी। जब किसी को पता नहीं चला था जी, कोई ट्रक वाले ने आके जी एकदम बोला तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई तुम उड़े। अपना तभी मच गई जी, हम बचाने के चक्कर में रहे जी, छोटे छोटे बंदर आते रहे बच्चे, उनको कुछ बचाने में लगे हुए थे जी। है फिर भी जी एक लड़की को तो आग ने लपेट में ले लिया जी। उसका पिता और उसकी लड़की दोनों, पहले लड़की फंसी हुई, उसके पिता उसको बचाने के लिए जो अंदर ही जुलूस के अंदर ही जुलूस अंदर हो गए। कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां? 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हर गाड़ी में लेके आया था जी फायर ब्रिगेड। सामान जल गया, पैसे नगद चल गए, सामान जी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, सब चीज था जी। जो चीज आप ये झोपड़ी बना के क्या काम करते हैं? ऑटो रिक्शा जी, गौशाला की रेडी चलाते हैं जी। बेसिकली कहाँ के रहने वाली हो बहन जी? बहन जी हम भाई साहब, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। आप वोट कार्ड बनाए हुए हैं? सब हासिल है, कोई योजना में आपके पक्के मकान नहीं? नहीं जी, नहीं पक्के मकान नहीं है। कार्ड है, राशन कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब चीज है। 30-35 साल से यही रह रहे हैं। तो मकान क्यों नहीं बनवाते? मकान कोई सरकार ने भी कोई सुविधा दी नहीं जी। ये देखिएगा, ये आप शेष दिखाइए, ई रिक्शा चल गई जी हमारी, और बाइक चल गई जी हमारी, बाइक है, ई रिक्शा जी, दिन से हमारा होता जाए टाइम पास जी। ब्रिगेड फोन पे किया गया? नहीं जी, हम लेके आए थे, मैं लेके आया था जी। नगद रुपए जल गए, दो फोन जल गए, तुम छल्ले जल के, सबके दो दो फोन, 11-12-13 फोन बढ़ के, लड़कियों के तेज के सीमान थे वो जल गए। एक महीने के बाद शादी थी मेरी लड़की की, यहाँ कुछ भी नहीं दिया। एक लड़की की शादी थी मेरी, महीने के बाद यहाँ तेज का सामान रखा था, यहाँ से खरीद के यहाँ रख दिया था मैंने सारा। आग इतनी बेरहम हुई कि बेचारी का दहेज का सामान भी जल गया, एक बच्ची झुलस के यानी कि पूरी तरह से झुलस गई है। ये देखिएगा कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा भी देख लीजिए कि जल के राख हो गई है। ये आग, ये गौशाला की यानी कि चंदा मांगने के लिए जाते हैं, और इसमें एक टेप रिकॉर्डर भी लगा हुआ, वो भी जल के राख हो गया है। ये चार रिक्शा, एक बाइक और दहेज का सामान, और एक बच्ची और एक आदमी झुलस के
यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट है। ये दो मवेशी भी जले हैं, बकरे भी जले, ये देखिए, ये हम जले हुए मवेशी भी दिखाते हैं, ये फरीज भी जल के राख हो गया है। हाँ हाँ, आइए, ये हम अवशेष के ऊपर दिखा रहे हैं। क्या आपने फिल्मों में तो देखा होगा कि भी झुग्गियों की आग लगती हुई देखा होगा, लेकिन हम हकीकत दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये मवेशी है, ये एक बकरा है। सैनी साहब, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि कैसे झुलस के ये बेजुबान पशु भी जल के राख हो गया है। ये इनकी चेहरे पढ़ लीजिए, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इनके छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका क्या बचा होगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग का कहर इस कदर बरपा। जवाब जी, में बड़े बच्चे को ले लेके सब कुछ चल गया, हमारा लेके हमने जोड़ा था बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं रहा, हमने मजदूरी करके। ये रो रो के इनका बुरा हाल है, ये प्रशासन क्या देखता है? ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर कार्ड भी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन इनके लिए आशियाना क्यों नहीं बना अभी तक? ये सवाल या निशान लगाता है प्रशासन पे। और ये देखिए मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल भी देखिएगा कि इनका, ये बाइक भी है, ये बाइक पे भी ये कमा के लेके जाते हैं, लस्सी वगैरह बेचते हैं ये, तो ये भी जल के राख हो गया, इनका कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट गया। ये कैसे अवशेष बाकी हैं ये सारे के सारे? अभी भी धुआं निकल रहा है इन गद्दों से, और शाम को तो क्या, रात को तो क्या हाल होगा जब लपटें निकलती होंगी। तो ये इतने लोग रहते हैं, कम से कम 100-150 लोग यहाँ रहते हैं झुग्गी बना के, तो इन्होंने कैसे जान बचाई होगी? कि ये देखिए आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड मैं दिखा रहा हूँ आपको, भी फोकस कीजिएगा, ये सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन सरकार दावे करती है कि जिन को, यानी कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इनके मकान बनने चाहिए, लेकिन ये फार्म भी भर भर के हार लिए। क्या बात भाई, मकान क्यों नहीं बने अभी तक? हमने जी फार्म भी बहुत भर लिया हमने, कोई योजना नहीं आती। कोई एमसी है आपका? एमसी है जी। कौन है वो? है जी अपने रमेश सिसोदिया। रमेश सिसोदिया जी, 18 वाले से। अच्छा, तो उसने फार्म नहीं भरवाए क्या? भरवाए थे जी, कोई आए नहीं। कोई आए नहीं, फार्म भरवा देते, पैसे लगा देते। छोटी बच्ची को कैसे बचाया आपने? ये तो मैं बाहर से आया था मैं तो। अच्छा, तुम छल्ले जल गए, हमारे नगद रुपए जल गए, नगद रुपए भी जल गए, तुम छल्ले जल गए। लड़कियों के लिए बहुओं के निकाल के रखे, कितने कभी ब्याह शादी में पहना करते थे, वो भी जल गए। किसी के सर्दी गाड़ी के अंदर ही, किसी के कर्जे झुग्गी के अंदर ही, वो सभी जल गए जी। बच्चे हमारे पास मोबाइल तक भी, हमने विभत्स हादसे तो देखे हैं आग के, लेकिन आगजनी का पहली बार हांसी के अंदर, मेरे एडिटर सैनी साहब भी बता रहे हैं कि मैंने पहली बार देखा है कि ये 15 दर्जनों झुग्गियां जल के राख हो गई। झुग्गियां जल जाती हैं, आग बुझ जाती है, लेकिन इनका सब कुछ लूट गया, आशियाना ख़त्म हो गया। कल चमन था, आज ये सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ? ये चमन बना के, इस चमन में ही रहते थे, झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के लिए चमन होता है, लेकिन सब कुछ राख हो गया। रात को 3:30 बजे फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आई, उन्होंने आग बुझाई, लेकिन कुछ नहीं बचा। रो रो के देख लीजिए का इनका किस कदर बुरा हाल है, और इनका कुछ नहीं बचा है। हम सरकार से कहते हैं, हम एनजीओ से कहते हैं, हम समाज सेवी संस्थाओं से कहते हैं, हमारा हंसी की आवाज़ मेरे एडिटर के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इनके आशियाने के पास आइएगा, इनको मदद करिएगा, और मदद की गुहार लगा रहे हैं। और प्रशासन से भी कहते हैं कि इनकी मदद कीजिएगा, सब कुछ लूट गया है, और ये सारा का सारा राख में तब्दील हुई 12 झोपड़ियां, और 2 बच्ची, 1 बच्ची और 1 बच्चा घायल हो गया। देखते रहिए ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी तब इनकी आंख खुलेंगे। अंत में मैं सामाजिक संस्थाओं से, एनजीओ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और प्रशासन से तलखी से कह रहा हूं कि ये आए और इनकी सुद ले, और इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये फिर अपने रोजी रोटी का साधन बन सके, आवाज़ उठाए। देखते रहिए हंसी की आवाज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये एनजीओ तक और प्रशासन के भी बंद कान खुलें, किस कदर झोपड़ियों में आग की तबाही हुई है। मैं राजीव बंसल, मेरे